दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास के कई जगहों पे सांप देखे होंगे और उम्मीद करता हूँ जब भी आप कोई सांप देखे होंगे वो सिंगल ही होगा या फिर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आप रंगरलियां मनाते हुए दो सांप देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ 1, 2, 3 नहीं पूरे 4,000 सांप रहते हो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू किया जाए। इस दुनिया में सांपों के 3,000 से ज्यादा प्रजातियां रहती है। रियल लाइफ में जब किसी इंसान के सामने सांप आ जाती है ना, तो उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? पुलिस आपको छोड़ सकती है, लेकिन अगर आप सांपों से पंगा लोगे ना तो वो मामू आपको नहीं छोड़ने वाला। इसलिए जरा सोचिए, आपको ऐसे आइलैंड में छोड़ दिया जाए जहाँ पूरे 4,000 सांप हो, कैसा लगेगा? मजा तो नहीं आएगा। ब्राजील के कोस्ट पे एक छोटा सा आइलैंड है जो स्नेक आइलैंड के नाम से विख्यात है। यह आइलैंड धरती पर जीता जाता नर्क है, बोले तो एकदम जहन्नुम। इस छोटे से आइलैंड में 4,000 से ज्यादा सांप रहते हैं। इसकी तह तक जाने के लिए हमने पूरा इंटरनेट पे छान मारा और पता चला कि यह आइलैंड सच में है, इसी धरती पर है। दिमाग में कितनों भी शादी के बाद हनीमून वाले ट्यून क्यों ना बज रही हो, लेकिन आप इस आइलैंड में कभी मत जाना। दोस्तों, मैं ऐसा कोई भी बात नहीं करता जिसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन ना हो। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इतने सांप इस आइलैंड में आए कहां से। ऐसा नहीं है कि कोई 10 मुंह वाला सांप इस आइलैंड में थूक दिया और इतने सारे सांप जन्म ले लिया हो। ये सब बातें सब बकवास है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह आइलैंड इसी धरती पर है और रियल है और 4,000 सांप भी है उसमें। तो चलिए हम आपको रियल रीजन इसका बताते हैं। अरबों साल पहले जब एक वक्त था जब सारी जमीन आपस में जुड़ी हुई थी, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया अर्थ का बेस हिलने लगी और धरती इधर उधर बिखरते चली गई। वही वक्त था जब स्नेक आइलैंड जमीन से अलग हो गया और धीरे धीरे यह सांपों के लिए यह धरती आइडियल बनती चली गई। यहाँ सांप धीरे 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 पनपते चले गए और 12,000 साल बाद यहाँ 4,000 से भी ज्यादा सांप, लंबे छोटे मोटे हरे काले पीले सभी तरह के सांप मिलने लगे और यह धरती के सबसे खतरनाक जगहों में से एक माने जाने लगा। अगर इतना सुनने के बाद इस आइलैंड में जाने का अगर आपका मन हो तो भाई अपना सीना ठोक के बोलना आई एम जीनियस। तो भाई ये था अजब गजब टेक एपिसोड नंबर 5। इससे भी पहले 4 झक्कास वीडियो आ चुकी है जिसमें बताया गया कि 45 साल से नासा चांद में क्यों नहीं गया, अब उसे क्यों डर लगता है।